ओके सो बेटर यू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन प्लीज। सर, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड। आई कंप्लीटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल। आफ्टर दैट आई डिड जॉब इन सनमार इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड फॉर 2.5 ईयर्स एज एन इंजीनियर सेल्स। एंड आफ्टर दैट आई टुक ए गैप एंड प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर। ओके सो व्हेन डिड यू ग्रेजुएटेड? इन 2019 ओके, और उसके बाद आपने तकरीबन 2.5 साल के लिए जॉब करा, राइट? तो यस सर। गैप कितना लिया आपने? 1 साल का गैप लिया? हाँ, मैंने 2022 में रिजाइन किया था। उसके बाद 1 साल गैप, 1 साल तैयारी की, उसके बाद 23 में अपीयर हुआ तो था। आपका जो जॉब था वो आपका कैंपस प्लेसमेंट से था या आपके अपने एफर्ट से था? वो एक्चुअली पूल कैंपसिंग था। ओके, पूल कैंपस था। तो मुझे बताओगे थोड़ा सा, व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर? आप किस डिपार्टमेंट में थे? क्या आपका डेजिग्नेशन था? सर, मैं ये सेल्स एंड मार्केटिंग में था, बेसिकली टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग। और मैं वहाँ पे ओके इंजीनियर इंजीनियर सेल्स था। मुझे आइसोलेशन वाल्व्स सेल सेल करना होता था डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट में, इन ऑर्डर टू गेट ऑर्डर फ्रॉम देम। और हमारा एक फाइनल मतलब टारगेट मैं ये हुआ करता था समझू, उसका। उनके लिए लीड जनरेट करते थे, बिजनेस लीड जनरेट करते थे आइसोलेशन वॉल्व के लिए, राइट? यस सर। ओके, तो आपने स्टार्टिंग से इसी प्रोफाइल पे काम करा या स्टार्टिंग में आपने कोई और प्रोफाइल पे ज्वाइन करा था? मैंने शुरू से इसी प्रोफाइल में था। ओके, तो मतलब मैं ये समझू कि सेल्स एंड मार्केटिंग का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ सर, एक्सपीरियंस तो है इसमें। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग दो अलग अलग चीजें कि आइडेंटिकल चीजें हैं? दोनों डिफरेंट है सर। हाउ दे आर रिलेटेड टू इच अदर? एक्चुअली पहले मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वी क्रिएट ए मार्केट। लाइक हम लोग जैसे किसी नए कंपनी में गए, HPCL में गए, वो हमारा क्लाइंट नहीं है, वो हमारा कस्टमर नहीं है, लेकिन हम लोग अप्रोच करते हैं तो आपका वहां से जो हमारा रिक्वायरमेंट ये जनरेट। आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग होता था, ये B2B होता था, B2C होता था? सॉरी सर, रिपीट अगेन। आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोसेस था, ये B2B था या B2C था? B2C ये समझ में नहीं आ रहा सर। यार आपने B2C सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करा, यू डोंट नो B2C B2B? B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, B2C मींस बिजनेस टू कस्टमर। मतलब B2B आप कंपनीज के साथ डील करते थे या डायरेक्टली कस्टमर के साथ? मैं कंपनी B2C था सर, हमारा बिजनेस ओके टू कंपनी। ओके, तो जब आप मार्केटिंग की बात करते हो तो एज अ टेक्निकल आपने बोला कि आप एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर वहां पे काम कर रहे थे, राइट? तो यस सर। टेक्निकल इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप उनको इसके फीचर्स, इसके एप्लीकेशन, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे, दैट्स वाई यू वर इनरोल्ड इन टू दैट। अदरवाइज तो कोई मैनेजमेंट का बंदा भी ये कर सकता था, राइट? हाँ सर, मैं शुरू में इंटरेस्टेड नहीं था इस प्रोफाइल से ओके, तो रिजाइन देने की एक्चुअली। वजह क्या थी? यही कि आपका प्रोफाइल ही था या फिर आपका वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था प्राइवेट सेक्टर में? नो सर, पहले तो मुझे एक्चुअली आई वांट टू शेयर वन थिंग सर, विथ योर परमिशन। यस प्लीज कैन प्लीज प्लीज गो अहेड। इन 2019 सर, आई लॉस्ट माय फादर। ओ सैड। दैट्स व्हाई होल होल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम इनटू माय शोल्डर। दैट्स व्हाई ओके आई हैड टू डू दैट जॉब। बट आई एंजॉयड दैट जॉब एंड लर्नड अ लॉट इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इंटरेस्ट तो ओके था, इंटरेस्ट तो टेक्निकल डोमेन में था, लेकिन उधर भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, और वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं टेक्निकल से कनेक्टेड ही था। ओके, और तो दो चीजें मैं बता सकते हो आप, प्राइमरी चीजें जो आपने, आपको लगता है कि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखी है वहां पे एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर? पहले तो मैंने वहाँ ऑफिस कल्चर सीखा सर। ओके ऑफिस, हाँ, ऑफिस में मतलब कि ऑफिस में कैसे रहा जाता है, ऑफिस में काम कैसे किया जाता है, डेकोरम वहां ओके का। ओके सेकेंडली सेकेंडली अगर आप किसी नए बंदे से मिलते हो तो आप उससे कैसे अप्रोच करते हो। पहले तो पर्पस होता है मिलने का, ओके एंड बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दैट पर्पस हम उनसे कैसे कॉन्टैक्ट जनरेट करते हैं।
ये दो चीज मैंने सीखा था। ग्रेट। तो मुझे ये बताइए, आईओसीएल के बारे में आपने कब सुना और क्या जानते हैं आप आईओसीएल के बारे में? आईओसीएल के बारे में बचपन से सुन रहा हूँ सर, और ये एक महारत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है, कौन है और मिनिस्टर, कौन है इसकी अभी? इनके इनके मिनिस्टर आई थिंक श्री हरदीप हरदीप एस पुरी हैं, इफ आई एम आर नॉट रॉन्ग। यू श्योर अबाउट सॉरी सर, दिस नेम? हरदीप, नो सर, थोड़ा कंफ्यूजन है नाम में, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन एस पुरी ये कंफर्म है, मैंने पढ़ा कहीं पर। ओके फाइन, नो इश्यू। तो आईओसीएल में क्यों आना चाहते हो आप? सर आईओसीएल में एक्चुअली ये महारत्ना कंपनी है, और Fortune 500 में अगर इंडिया में रैंक देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट इसका रैंक थर्ड है, ग्लोबली 150 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे, मतलब कि फॉर्चून थर्ड पोजीशन में है, तो यहाँ पे बहुत कुछ काम हो रही है। महारत्ना कोई भी कंपनी मतलब मैं ये ऐसे समझू स्टेटस नहीं। कि जो कंपनी इंडेक्स, बिजनेस इंडेक्स को टॉप कर रही होगी तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो काम करने में, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी रेपुटेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। क्या मैं इसका ये इंटरप्रिटेशन निकालू? नो सर, एक्चुअली प्लीज लेट मी सर एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस। या तो कंपनी एक्चुअली, दिस कंपनी इज डेडिकेटेड टू आवर नेशन, और इसमें मतलब कि बहुत सारा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया था 2070 तक हमें नेट जीरो होना है कार्बन, तो इस मोटो के पीछे भी ये कंपनी अपना बहुत डेडिकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा फुल डेडिकेशन दे रहा है। इन फरीदाबाद देयर इज एन R&D सेंटर, दे आर वर्किंग ऑन एनर्जी अल्टरनेटिव प्रोग्राम, तो एज ए होल ये कंपनी में जाना चाहता हूँ, सब कुछ अगर कंबाइन किया तो। अगर अगर आपको आईओसीएल में सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो फिर आपका क्या प्लान है? बिकॉज ऑलरेडी आप एक जॉब छोड़ चुके हैं। डोंट यू थिंक इट्स सीरियस सिचुएशन फॉर यू और इट्स अ वेरी फाइटिंग सिचुएशन फॉर यू? ऑलरेडी आप जॉब छोड़ चुके हैं और यू आर इन टू कॉम्पिटिशन, तो आपका क्या प्लान है इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर आईओसीएस? यस सर, मैं स्ट्रगल तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो पहले तो मुझे देखना होगा कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, इन विच एरिया आई नीड टू वर्क मोर, तो वहाँ मैं इम्प्रूव करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मौका मिले तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँगा। आपके गेट में क्या रैंक है? मेरा गेट में 727 है सर, आपका नाम क्या? रवि, अभिषेक कुमार सर। अभिषेक। अभिषेक देखो यार, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, रैंक भी तुम्हारा अच्छा खासा है, बुरा नहीं है, और तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है कोर सेक्टर का है, और वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग में। और जब आप आईओसीएल में जाते हैं, आईओसीएल में भी मोस्टली बच्चे मार्केटिंग मैनेजमेंट इसी में जाते हैं, राइट? और कुछ टेक्निकल डोमेन में जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सेक्शन में ही जाते हैं बिगनिंग में। तो आप कहीं ना यस कहीं टेलर मेड कैंडिडेट हो, तो जब आप उनको बताओगे तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन करो, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। जैसे कई बार वो क्या है, केस स्टडीज दे देते हैं आपको। जैसे आपने बोल तो दिया कि सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा देंगे आईओसीएल का कि ये प्रोडक्ट है, अगर आपको इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है तो कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, क्या प्लानिंग होगी, ठीक है? तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक बार केस स्टडी कर लो कि अभी लेटेस्ट कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं आईओसीएल के, राइट? और दूसरा चीज, आईओसीएल का आपने मिनिस्ट्री का नाम बताया। देखो, आई वॉज नॉट सुपोज टू आस्क यू द मिनिस्टर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो आपने डिस्कशन में लाया, तो जो भी चीज आप ऐसी डिस्कशन में ला रहे हो तो उनके बारे में फिर आपको फैक्ट भी पता होने चाहिए, राइट? और एक जो मुझे बहुत आपका गलत आंसर लगा कि आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहां पे आपने 30 सेकंड तक जो भी आंसर दिए, आप मुझे आईओसीएल की रैंकिंग, उसके इंडेक्स वो गिनवाने लग गए। वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन देते। ठीक है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, बट उसके अलावा आप आईओसीएल एक क्या है, महारत्न कंपनी है, ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज कैरियर विद सम महारत्न कंपनी। और अगर आपको आपके एफर्ट से वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और वो भी उस एरिया में जिसमें आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है, तो कोई भी उसको मिस नहीं करना चाहेगा। जेन्युइनिटी भी आंसर में होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है? आपका आंसर सुन के साफ लग रहा था, पता आपने कहीं से पढ़ा हुआ आंसर मुझे बताया कि सर ये फॉर्च्यून 5 में आती है, इतना इंडेक्स है, ये सारी चीजें हैं। रीजन ये तो नहीं हो सकता ना किसी का भी
ये तो है एक सेकेंडरी चीज है, बट मेन चीज क्या, एवरीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन महारत्न कंपनी और अपना कैरियर वहां से स्टार्ट करना चाहता है, राइट ओके। उसमें आप हल्का सा ये ऐड कर सकते हैं जो आपने मुझे बताया कि नेट कार्बन एमिशन जो जीरो के बारे में, वो आप ऐड कर सकते हैं कि उसमें भी जो अभी IOCL है काफी न्यू टेक्नोलॉजी को एडवेंट कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट ओके। तो यस सर। बाकी मेरी तरफ से इट्स ओके। सो मनीष सर एंड विनीत सर प्लीज कंटिन्यू। ओके अभिषेक, नाउ आई ऑडिबल। सर ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर द अल्टरनेटिव फ्यूल व्हिच वी नॉर्मली यूज इन द आईसी इंजन एसआर पेट्रोल एंड डीजल। व्हाट आर द रिसेंट फ्यूल्स इन डेवलपमेंट स्टेज इन इंडिया राइट नाउ? फर्स्टली सर बायोगैस बायोगैस, ओके, एनी अदर? एनी अदर हैव यू हर्ड अबाउट एनर्जी हाइड्रोजन फ्रॉम फ्यूल्स? यस सर आई हैव हर्ड अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट पॉइंट, रिगार्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल्स? आई डोंट नो मच अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सर बट बैटरीज आर बीइंग सेल्स आर बीइंग मेड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड एनर्जी फ्रॉम ओके सोलर साइड ऑल्सो ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटो साइकिल एंड कार नॉट साइकिल, एंड व्हाई डोंट वी डोंट यूज ऑटो साइकिल और साइकिल से, व्हाई डोंट वी नो वी यूज कार नॉट साइकिल इन अवर प्रैक्टिकल इंजंस? कार्नोट साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर प्रोसेसेस सर टू आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड टू आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोथ ऑल आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड द कॉम्बिनेशन वन इज स्लो प्रोसेस एंड वन इज फास्ट प्रोसेस तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस इन प्रैक्टिकलिटी इज नॉट फिजिबल दैट्स व्हाई वी कांट यूज कार्नोट साइकिल इन एनी ऑफ दी थर्मोडायनेमिक साइकिल ओके ओके कैन यू टेल मी अबाउट द एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज इन बोथ दिस केस साइकल्स, विल इट बी जीरो और इट विल बी देयर इन द प्रेजेंट इन द विल इट बी देयर इन द केस ऑफ अ कार्नोट एज वेल एज ऑटो साइकिल एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज? सर कार्नोट इट्स अ टोटल आइडियल साइकिल सो देयर इज जीरो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी इज जीरो एंड व्हाट इन अबाउट ऑटो केस साइकिल? ऑफ या देयर इज एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी व्हाई सो, व्हाई डू ऑटो साइकिल हैज एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज? फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज देयर सर वी कांट मेक इज देयर, फ्रिक्शन जीरो या सो अकॉर्डिंग टू यू द एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली, इज देयर एनी अदर रीजन? या देयर आर अदर रीजंस आल्सो टेम्परेचर डिफरेंस कैन आल्सो बी फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी प्रेशर डिफरेंस कैन आल्सो बी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी ओके ओके जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, हाउ डू दे वर्क? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअली देयर आर थ्री थ्री सेक्शंस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप फर्स्ट इज सक्शन एंड मिड वन इज आवर पंप इटसेल्फ एंड द थर्ड वन इज डिलीवरी साइड सो इन ओके सक्शन वी क्रिएट वैक्यूम प्रेशर ओके वी क्रिएट द प्रेशर या कैन नॉट द वैक्यूम प्रेशर सर यू इट्स एक्चुअली द प्रेशर लोअर बिलो द देन द एटमॉस्फेयर? प्रेशर एट द या ओके कैन यू नेम द टू टाइप्स ऑफ ब्लेड व्हिच वी नॉर्मली यूज इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स? फॉरवर्ड ब्लेड्स आर देयर एंड बैकवर्ड ब्लेड्स आर देयर ओके यू कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ डज द प्रेशर एंड वेलोसिटी वेरीज व्हेन एवर द फ्लूइड फ्लोस थ्रू द मूविंग ब्लेड? I can say सॉरी सर impeller. प्लीज How does the रिपीट अगेन pressure and velocity varies in case of moving blade? Whenever there is a fluid flow along the impeller or I can say moving blades, what is the variation of pressure and velocities? सर या डिपेंडिंग ऑन दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप आई विल हैव टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन ओके ओके अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन द यंग मॉडुलस एंड बेसिकली बल्क मॉडुलस, हाउ डू वी डिफाइन दिस टू?
यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इज व्हेन एवर वी गिव ए लोड टू एनी मटेरियल मीन्स लेट अस से एनी सॉलिड वी हैव टू सी द यील्ड स्ट्रेंथ इफ इट इज द पॉइंट इट हैज स्टार्टेड यील्डिंग दैट वुड बी इट्स यंग्स मॉडुलस एंड सेकेंडली बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू आवर हाइड्रोस्टेटिक कॉन्सेप्ट ओके एंड या ओके सपोज यू हैव टू मटेरियल्स लेट अस से मटेरियल नंबर ए एंड मटेरियल नंबर बी एंड इफ आई टेल यू दैट द मटेरियल नंबर ए हैज अ मोर बल्क मॉडुलस वैल्यू बल्क मॉडुलस इज मोर फॉर मटेरियल नंबर ए देन कैन यू टेल मी अबाउट इट्स कंप्रेसिबिलिटी व्हिच इज इजी टू कंप्रेस और व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस After after bulk modulus sir, please actually. बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए आपके पास दो मटेरियल है ए और बी जो हाँ ए मटेरियल है उसकी जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी ठीक है ना तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल ज्यादा कंप्रेसिबल होगा किसको आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो अगर बल्क मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर ज्यादा है बी से तो ए का जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो कम होगा वाइस हो बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. ओके ओके वन मोर थिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपने कभी देखा होगा जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की या जब भी हम डिजाइनिंग पॉइंट्स ऑफ किसी बॉडी को स्टडी करते हैं तो हमेशा आपके पास लोड और सॉरी स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम कर्व प्लॉट करते हैं ठीक है ना क्यों नहीं हम यहाँ पे लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करते हैं हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफिक क्यों रिक्वायर्ड होता है एक्चुअली लोड लोड और डिफ्लेक्शन का भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इजी होता है हमें हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का करने में क्योंकि यहाँ पे लेकिन पहला चीज़ है कि स्ट्रेन स्ट्रेन जो होता है सर वो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय एक्चुअल डायमेंशन. तो अगर हमारा लेंथ अगर हम लोग स्ट्रेन ये लोड और डिफ्लेक्शन का ये करते हैं ड्रॉ करते हैं तो हमारा मटेरियल तो ये चेंज करता जाएगा. जैसे मान लीजिए कभी 1 1 मीटर का लेंगे कभी 2 मीटर का लेंगे तो डिफ्लेक्शन तो डिफरेंट आएगा लेकिन स्ट्रेन में क्या है कि सेम मटेरियल के लिए स्ट्रेन सेम आएगा. ये एक रीजन ये हो सकता है. ओके और और दूसरा जैसे हाँ और दूसरा है कि जैसे हम लोग बहुत सारा पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं जैसे रेजिलियंस कैलकुलेट किए हैं टफनेस कैलकुलेट किए हैं ठीक है तो हाँ अच्छा तो हमारे पास जब हम किसी मटेरियल को डिज़ाइन कर रहे हैं ठीक है ना हम यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं आपने क्या स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का सुना है नाम प्लीज रिपीट सर. आपने क्या स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का नाम सुना है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया या स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग एनी कंपोनेंट स्ट्रेंथ सुना है सर लेकिन अभी प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ओके ओके जस्ट टेल मी वन इफ सर थोड़ा थोड़ा आप और अगर इलाबोरेट कर दें इसमें तो मैं आई विल गेट इट. नहीं कोई कोई इशू नहीं अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पहले तो फॉर्मूला से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये आपका मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस क्या है मैक्सिमम अलाउबल लोड क्या है मैक्सिमम परमिसिबल लोड और फिर उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम लोड जो एग्जिस्ट कर सकता है वो दोनों का रेशियो. और ओके दूसरे तरीके से मैं इसको सॉरी सर यस कंटिन्यू कैन आई या दूसरी तरीके से मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी सिस्टम को हम लोग अगर डिजाइन करते हैं तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है. कभी कभी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 देते हैं कभी 4 देते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट. हाँ ओके अभिषेक हियर इज माय लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो हम डिजाइनिंग करते हैं अंडर द स्टैटिक लोडिंग और आई कैन से डायनेमिक लोडिंग तो कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर आप कंसीडर करोगे लेट अस सपोज आई वांट टू डिजाइन एनी कंपोनेंट अंडर द डायनेमिक लोडिंग तो आपके पास कौन कौन से क्राइटेरियाज या कौन सी फेलियर्स का थ्योरीज ऑफ फेलियर्स का हम यूज करेंगे सर पहले तो मटेरियल देखना देखना पड़ेगा कैसा मटेरियल है हमारा. उसके बाद तो हाँ उसके बाद अगर ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है तो हम लोग मुझे लगता है कि इसमें शियर स्ट्रेस थ्योरी हम डायनेमिक लोग लोडिंग के लिए इम्प्लीमेंट भी आप करेंगे. स्ट्रेस टेस्ट थ्योरी यूज करोगे
नो सर, उसके लिए नहीं यूज करेंगे। क्या आपने सोडरबर्ग का नाम सुना है? सोडरबर्ग, गरबर कटेरिया, या मशीन डिजाइन में पढ़ते हो, हैव यू हर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट? अभिषेक, आई एम ऑडिबल? ये वीडियो इट्स स्टार्ट हो रहा लैगिंग सर, इट्स लैगिंग। है। ओके ओके, आपने सोडरबर्ग क्राइटेरिया सुना है? सोडरबर्ग गरबर क्राइटेरिया, हाँ सर, सुना है मैंने। वो किस लिए यूज होती है? वो हमारे मतलब कि डायनेमिक लोडिंग में डिजाइन डिजाइन पर्पस के लिए यूज किया जाता है सर। ओके अभिषेक, लेट मी कंक्लूड माय पार्ट। सबसे पहले देखो, आप IFCL के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप देखो उस कंपनी की रिगार्डिंग अगर आप जा रहे हो, तो आपको थर्मल की रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आइस इंजन पार्ट की रिगार्डिंग, ठीक है ना? मैंने आपसे कुछ पूछा था, जैसे ऑटो साइकिल की रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ पूछ रहा था कि ऑटो साइकिल क्यों प्रैक्टिकल फिजिबल है, क्यों आपके पास कार्नोट साइकिल फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको रिवर्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ आपको जैसे पेट्रोल के केस में हम ऑक्टेन नंबर्स डिफाइन करते हैं, डीजल के केस में हम सीरियल नंबर डिफाइन करते हैं, तो इन सब का हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या पैरामीटर है, और कैसे हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? इंडिया में आप जो प्रेजेंटली जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो, उनका ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर क्या है, वो आजकल जो रिसेंटली डेवलपमेंट चल रही है फ्यूल्स में, या फिर हम फ्यूल्स की जब ब्लेंडिंग करते हैं तो क्यों रिक्वायरमेंट है, एल्टरनेटिव फ्यूल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए इसका। क्योंकि थर्मल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके उस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो। सेकंड, आपके पास आपने बोला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उस केस में आप थ्यूरीज ऑफ फेलियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थ्यूरीज ऑफ फेलियर कौन कौन सी यूज़ करते हैं। स्टैटिक लोडिंग के केस में आप जो बोल रहे हो शियर स्ट्रेस थ्योरी, वो हम स्टैटिक लोडिंग के केस में आप डिफाइन करते हो, लेकिन अगर आप बात करोगे डायनेमिक लोडिंग के केस में, तो वहाँ पर आपका डिफरेंट क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं, तो उनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना? और कोई करेक्ट डाउट आपको भी? सॉरी सर, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, ओवर टू यू सर। हेलो, हेलो सर। ओके सो अभिषेक, सो आर यू प्रिपेरिंग फॉर आईएसएल इन? यस सर, हेलो अभिषेक, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। सर यस अभिषेक, सो टेल मी व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स? व्हाट इज, प्लीज सर विस्कोसिटी रिपीट। इंडेक्स? विस्कोसिटी इंडेक्स? नो आइडिया सर। ओके, अच्छा, लेट सपोज यू हैव अ वेलोसिटी डायग्राम, देन हाउ यू आइडेंटिफाई दिस डायग्राम? गिवन डायग्राम बिलोंग्स टू टर्बाइन और पंप? हेलो, टर्बाइन, हाँ सर, यहाँ पे मतलब कि पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम मुझे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायग्राम दिया है, उसमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई, कैसे कैलकुलेट करोगे? सर डायग्राम है तो उसमें मतलब प्रॉपर स्केलिंग यूज करके ना बनाया गया होगा उसमें। हाँ, स्केल यूज करके दिया, लेकिन आपको स्केल नहीं बता रहे हैं कि क्या है। तब कैसे करेंगे? सोचना पड़ेगा सर थोड़ा। अच्छा, लुब्रिकेंट में SAE 10, SAE 20 इस तरीके से कुछ लिखा रहता है लुब्रिकेंट के बॉक्स में, उसका मीनिंग क्या होता है? एक मतलब स्टैंडर्ड यूज किया जा सकता है सर उसमें, नाम सुना उसमें है कभी शायद, पहले? हाँ ये मैंने सुना है सर, अच्छा, ये उसमें से एक एक ये विस्कोसिटी बताता है सर। और और वैसे हाँ SAE क्या कहलाता है? SAE का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे ही नहीं पता सर। अच्छा, यूनिट यूनिट डिस्चार्ज क्या होता है?
यूनिट डिस्चार्ज। अगर पंप की बात करें सर, तो कितना डिस्चार्ज होगा एक यूनिट इन प्रोड्यूसिंग यूनिट हेड, इन प्रोड्यूसिंग यूनिट हेड जितना हमारा डिस्चार्ज होगा वो हम यूनिट डिस्चार्ज बोल सकते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइप और मॉडल में क्या डिफरेंस है? प्रोटोटाइप हमारा एक्चुअल एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है सर, जो हम मतलब कि जिस पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मॉडल है तो उसी का रिलेटिव स्टडी किया जाता है इसके लिए। रिलेटिव स्टडी मतलब? जैसे हमारा टनल है, तो टनल एक्चुअल टनल जो होगा वो प्रोटोटाइप हो गया, और जो हम लोग अपने स्टडीज के लिए तो लैब में जो इस्तेमाल करेंगे वो मॉडल हो गया। कैसे हम उसको बनाते हैं मॉडल को? मॉडल को पहले तो हम लोग ये ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी देखते हैं उसमें, फिर है तो ये फिर उसमें डायनेमिक सिमिलैरिटी देखा जाता है, और एक और सिमिलैरिटीज है ज्योमेट्रिक डायनेमिक और डायमेंशनल सिमिलैरिटीज। हाँ डायमेंशनल सिमिलैरिटी। नहीं, डायमेंशनल डायमेंशनल तो ज्योमेट्रिक ही हो गया ना सर। नहीं, एक और होता है, एक डायनेमिक होता है, एक काइनेमेटिक। ज्योमेट्रिक होता है। हाँ यस सर, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी और डायनेमिक सिमिलैरिटी। अच्छा अच्छा लो हेड और हाई डिस्चार्ज में कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? लो हेड और हाई डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज, कपलन टरबाइन। कपलन टरबाइन। अच्छा, एनपीएसएच क्या होता है? एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। जैसे हमारा पंप पंप के इनलेट में जो हमारा वेपर प्रेशर होता है उस फ्लूइड के पार्टिकुलर, तो वो प्रेशर हमारा मतलब कि अप्रोच ना हो वहाँ से, क्योंकि वहाँ तो प्रेशर है तो डिक्रीज होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो वेपर प्रेशर से नीचे ना जाए, इवन वेपर प्रेशर भी ना जाए, वो उससे ऊपर ही रहे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इंटरव्यू टेक। सो ऑलरेडी गॉट मेनी सजेशंस फ्रॉम टू मेंटर्स, एंड नाउ फ्रॉम माय साइड यू जस्ट प्रिपेयर द थिंग्स रिलेटेड टू लुब्रिकेंट, बिकॉज दिस इज अ प्राइम प्रोडक्ट व्हिच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एयरसेल, करेक्ट? सो यू मस्ट नो द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स एंड देयर डेजिग्नेशन, करेक्ट? एंड यू ऑल्सो रीड लिटिल बिट अबाउट पंप टर्बाइन्स, देयर प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, करेक्ट? यस सर, एंड बाकी तो सजेशन सर ने दे ही दिया है, तो उसको फॉलो करो, ठीक है? और बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं इसके एयरसील के, उन प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर जानो कि क्या क्या बनाती है कंपनी, करेक्ट? उनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, उनका पे कमर्शियल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यस सर, गॉट इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।